أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं हूँ आपकी अपनी तसव्वुर मलिक। एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ पुरानी चीज़ों को लूप में लेते हुए आपके साथ मौजूद हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें लाइनअप की है मैंने, और एक बार फिर मैं समझाना चाहूँगी, ठीक है कि हमारे जो पोस्टर्स होते हैं, जो मैं पोस्टर्स बनाती हूँ, तो वो पोस्टर्स समटाइम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वीडियो को मैं एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इसको स्क्रॉल ना किया कीजिए। आप इसको स्क्रॉल नहीं करेंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत अथेंटिक होती है, और मैं खुद समझिए पूरी पूरी रात मुझे जो है वो सर में दर्द भी हो जाता है, मैं स्लीपलेस नाइट्स भी गुजारती हूँ, लेकिन मैं अपना कंटेंट जो है जब तक पूरा कंप्लीट नहीं कर लेती, उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं हासिल कर लेती हूँ, उसके बारे में मैं शॉर्ट शॉर्ट नहीं हो जाती, उससे पहले मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं करती। और आपने महसूस किया होगा कि मैं कई कई हफ्ता नहीं भी अवेलेबल होती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास जब तक के करंट और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती। अभी बात चल रही है कि बहुत सारे, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम वो गैर मुल्की भाई जो कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, जिन्होंने स्पेशल थैंक्स टू इंडियन क्लाइंट्स, इंडियन कस्टमर्स, इंडियन व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल माई इंडियंस कम्युनिटी जो कि मुझे इतना सराहते हैं, और अनकरीब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप लोग, क्योंकि ऑडियो तो यहाँ सुनाना मेरे लिए इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश एक छोटी सी की है कि आपको ऑडियो भी सुनाऊं, लेकिन इसके अलावा मैंने अपने उन व्यूवर से ये एक फरमाइश की है कि आप अपनी वीडियो भी बना के भेजिए, ताकि हम जो है मैं आपको अपनी वीडियो में वो वीडियो शामिल कर सकूं कि किस तरह मुझे पाकिस्तान से बाहर के लोग भी बहुत सराहते हैं और मेरी मेहनत को पसंद करते हैं, क्योंकि 90-95% जो बात मैं कर रही होती हूँ वो हकीकत पर बेस होती है। मैं झूठ बोल के किसी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश नहीं करती। तो ऑल माई व्यूवर्स स्पेशल थैंक्स, आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी और मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम किया। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम दुनिया से ये कोरोना वायरस के वबा को ख़त्म करेगा, और एक बार फिर हमारी दुनिया जो है वो पूरी तमाम तर कामयाबियों के साथ खुल जाएगी, और जनाब उसके बाद जो है वो हम ज़रूर दोबारा से, मैं बांग्लादेशियों पे भी काम करती हूँ, मैं नाइजीरियन के साथ भी काम करती हूँ, मैं इंडियंस पे भी काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस वक्त राइट नाउ नहीं कर रही हूँ। लेकिन वो तमाम इंडियंस जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी सीवी और अपनी छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दें, मैं अपने चाइनीज़ प्रिंसिपल को भेजूँगी, अगर वो आपको एलिजिबल करार देते हैं और वो आपको इंट्री देना चाह रहे होंगे चाइना में, तो फिर आपका उनसे डायरेक्ट ही इंटरेक्शन करवा दूंगी जनाब। तो ये हो गई हमारी बात। अच्छा, ऐसा है कि मैंने वो ऑडियो क्लिप आपको सुनवाती हूँ जो मेरे, वैसे तो डेली बेसिस पे काफ़ी लोग जो हैं वो तारीफ़ भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन इन साहब ने, ये इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, बट इन्होंने कुछ इस अंदाज़ में यानी ज़िक्र किया है कि मैं बहुत खुश हुई हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त देने वाले मेरे रब की ज़ात है। आप ये जो है इनका ऑडियो वो सुने, नोट सुने। जितने भी यूट्यूब पे चैनल्स देखे हैं आपका, एक का जो बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपके पाकिस्तानियों के लिए, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी वीडियोस में बनाई है, लास्ट भी जो आपने बनाई मैंने देखी, कि आप अपने पाकिस्तान के लोगों को चाइना जाने के लिए कैसे आप उनको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और किस तरह से एक एक छोटी छोटी बातें आप बताती हो, सही में एक एकदम और ऐसे जैसे एक्सेप्टेबल काम है आपका। मुझे भी बहुत मुझे इम्प्रेस हुआ आपके ये काम से, और मुझे लगा कि आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं, क्योंकि मेरे को भी जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे ट्रेडिंग का काम है, मशीनरी का। तो ये थी वो वीडियो क्लिप, ये थी वो ऑडियो क्लिप जो मुझे मौसूल हुई और व्हाट्सएप के ऊपर,
और मैं मजबूर हो गई इस क्लिप को, वैसे तो हमारे मेरे लिए कम से कम ये एक बड़ी रूटीन बात है, बहुत लोग आके मेरी तारीफ़ करते, ऐसा नहीं है कि मेरे अपने पाकिस्तानी भाई नहीं करते, बहुत सब करते हैं, लेकिन इन साहब ने कुछ इस तरह से तारीफ़ की है कि बहुत मतलब मेरे दिल को खुशी हुई। खैर जनाब, इसके साथ हम आगे कंटिन्यू करते, बात रशिया की हो रही थी तो रशिया को ही कंटिन्यू करते कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो रशिया के स्टडी वीज़ा के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि करोना जो हमारा है COVID-19 या करोना वायरस जो भी है, इसके पेश नज़र अभी कोई भी हमारे मुल्क के लिए विजिट वीज़ा डायरेक्टली नहीं खोलेगा। सितंबर इनटेक, और वो भी सितंबर इनटेक में वो लोग जो के कहना चाहिए कि मैट्रिक कर चुके हैं, उसके बाद किसी अपनी परेशानी के बायस पर वो नौकरी नहीं, अपने घर के लिए परेशानियों में गिर गए और आगे वो मज़ीद तालीम नहीं हासिल कर सके, उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई है और उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो बाहर जाके कमाना चाहते हैं, अगर उनका ऐसे लोगों के लिए जो है वो हमने मैट्रिक बेस पे ही रशिया निकालने का फ़ैसला किया है और इसमें हम उनको एक बिल्कुल इंतहाई ऑर्डिनरी ही जॉब हम ऑफ़र करते हैं, लेकिन ये एक इंसान का हाथ जो तंगी में होता है वो थोड़ा खुल जाएगा, लेकिन ये सितंबर इंटेक की बात हो रही है, उसके लिए मैं अप्लाई अभी से ही कराऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पासपोर्ट का जमा होना, इनविटेशन का निकलना, कागजात का रेडी होना, उसके बाद उनकी ट्रांसलेशन होना, उनका फॉरेन अफेयर और रशियन एम्बेसी से अटेस्ट होना, इन सब में टाइम लगेगा, तब कहीं जाके आप जो है जब आपका वीज़ा खुलेगा तो फौरन ही आपके पास, जैसे कि हमने सुन रखा है कि 15 जून के बाद जो है वो स्टडी और बिजनेस वीज़ा खोलेंगे, लेकिन अभी हमारे पास खुलने की कोई न्यूज़ नहीं है, बट ये है कि अल्लाह से हमें बड़ी अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह, और रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए हम अभी से काम स्टार्ट कर देते हैं, फाइलिंग बनाना, केसेस बनाना, केस रेडी करना, उसके बाद ताकि जो लाइनअप किए हुए लोग हों वो ओपन होते ही फौरन से पेशतर जा सके। तो ये था रशिया के बारे में। अब इसके बाद एक नई चीज़ मैं आप लोगों के साथ मज़ीद लाने वाली हूँ, वो है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का लैंग्वेज कोर्स है और रशियन लैंग्वेज कोर्स होगा, क्योंकि उज़्बेकिस्तान में मोस्ट प्रोबेबली जो ज़बान बोली जाती है वो उज़्बेक लैंग्वेज के अलावा रशियन लैंग्वेज है, तो उसके लिए भी एक कॉलेज के साथ एक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे, जिसके साथ मेरा वायदा हो रहा है, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाए, मेरी सारी चीज़ें लाइन अप हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उज़्बेकिस्तान के हवाले से भी बात करूँगी। उसमें भी यही है कि स्टडी वीज़े पर जाके आप अपना एक छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं और प्लस ये कि आप वहाँ नौकरी भी तलाश करके कर सकते हैं। उसमें हम जॉब आपको ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि हमारा मेरी जहाँ पे बात हो रही है या मेरी जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बन रही है वो आपको नौकरी तलाश करने में हेल्प आउट ज़रूर कर देंगे, लेकिन नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी नहीं होगी। उसमें यह है कि आप थोड़ा पैसा लगा के कारोबार भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरे वर्क परमिट के और उसके बाद कोई नौकरी या जॉब तलाश करें या बिजनेस करें, उसका हमने एक हल निकाला है, लेकिन अभी उस पर मेरी वर्किंग जारी है, जस्ट सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाअल्लाह में उसके भी पोस्टर्स बनाऊंगी, और वो ना ख़त्म होने वाला काम है, जैसे चाइना का जो मैंने आपको बताया है, आप अगर चाइना की वीडियो को बहुत गौर से देखेंगे, जब गैर मुल्क ही इतना गौर से देख रहे हैं तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि गौर से उस वीडियो को बगैर स्क्रॉल करें देखें, तो आपको समझ आ जाएगी कि चाइना के उस जॉब के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, और चाइना का अभी ये वर्क वीज़ा मेरे पास काफ़ी अरसा मौजूद रहेगा, तो लोग अपने आप को जो है वो लाइनअप करें, तैयार करें, जैसे जैसे जो जो कंट्रीज़ खुलती जाएंगी, रोमानिया की वर्किंग हमारी जारी है और अल्बानिया पे हम काम कर रहे हैं, रही बात शेंजन की, तो शेंजन की हमारे पास अभी सितंबर तक की कोई न्यूज़ नहीं है, हाँ अगर खुल जाता है तो हम ज़रूर बताएंगे। स्पेन के बारे में एक न्यूज़ आई थी कि स्पेन ने अपने वीज़े और बॉर्डर्स खोले, ट्रांज़िट वीज़े खोले, बट स्पेन ने पाकिस्तान के लिए नहीं खोला, ये चीज़ जहन में रखिएगा
कि कोई भी मुल्क जिस वक्त वीज़ा ओपन करेगा तो सबसे पहले वो अपने बॉर्डर्स और अपने हमसायों के लिए वीज़े खोलेगा, वो खोलते ही पाकिस्तान को वेलकम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो जब कोई ख़बर दे तो उस चीज़ को जहन में रखा करें कि वो अपने पड़ोसियों के लिए खोल रहा है, वो अपने नेबर कंट्रीज़ के लिए खोल रहा है, वो अभी हमारे लिए नहीं खोल रहा है। और अगर कोई हमारे लिए खोलेगा बॉर्डर तो सबसे पहले एम्बेसी हमारी भी इन्फॉर्म करेगी, और इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं जल्द अज जल्द आप लोगों तक ये खबर पहुँचाऊँ। बल्कि बताना ये है कि मलेशिया ने तो मज़ीद 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, यानी जो हम उम्मीद कर रहे थे कि मलेशिया 30 जून या 1 जुलाई से या 31 जुलाई से खुल जाएगा, तो उसके भी आसार अभी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं सुनने में मेरे आया, कई मुझे लोगों ने बताया है, क्योंकि देखिए हम हैं एजेंट, हमारे पास अच्छे लोग भी आते हैं, हमारे पास बुरे लोग भी आते हैं। इवन जो डंकी लगाने वाले होते हैं ना, मैं उनसे भी बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं एजेंट हूँ। अगर मैं लोगों से रابطہ करूँगी नहीं तो मुझे अंदर की हकीकत कैसे पता चलेगी? फिर मैं उनसे हकीकत सुन के आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा और कौन से रास्ते से आप जाएंगे तो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल तुर्की से डंकी होती है और लोग जाते हैं थे, लेकिन अभी कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ों में सख्ती आ गई। एक ज़माना था जब लोग रशिया से चले जाते थे बासानी, लेकिन अब कोविड की वजह से अपने इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मुल्कों ने रास्ते, ऐसे इलीगल रास्ते बंद कर दिए हैं। तो कोशिश कीजिए, पैसे आप उसमें भी दे रहे हैं, पैसे आप इसमें भी दे रहे हैं, तो क्यों ना हम सर उठा के जिए, हम सर उठा के जाए। तकलीफ़ बहुत है, मुझसे पूछिए, मैंने 24 लाख रुपए एक दफ़ा गंवाए हैं, 19 लाख रुपए एक दफ़ा गंवाए हैं, FIA के चक्कर मैंने लगाए हैं, कोर्ट के चक्कर मैंने लगाए हैं, थाने तो मैं इतना जाती थी जैसे लगता था थाने में मैंने जो है वो कोई कमरा ले लिया, लेकिन मेरे पैसे, और सब यहीं कराची के बंदे थे, ठीक है ना, एक दुबई में अभी तक बैठा है, अभी आपके सामने मैं उससे व्हाट्सएप पे बात करूँगी वो मुझसे बात करने लगेगा। मैं आपको ये सारी हकीकत इसलिए बताती हूँ कि देखिए हमारे साथ भी धोखे होते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली है। आपसे मैं छुपा के कोई टार्जन नहीं बन जाऊँगी, तो मैंने भी बड़े जूते खाए हैं, बड़ी तकलीफ़ें उठाई, और आप सोचे 24 लाख और 19 लाख मैंने अपने जेब से भरे, तो मैं और अभी भी स्टिल भर रही हूँ। ये नहीं है कि इतनी जल्दी कोई यूं करके जिन ने घुमाया चराग रगड़ा और मैंने कई 24 और 19 लाख पूरे कर दिए। तो बताने का मतलब ये है कि इन तमाम तरह की चालाकियों से, धोखेबाजियों से बचिए और स्ट्रेट काम में कीजिए। स्ट्रेट काम में जाएंगे, अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, अल्लाह ताला वकार देगा, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिए और अपने लिए भी बेहतरी कीजिए, और जैसे जैसे कंट्रीज खुलती जाएंगी हम आपको बताते जाएंगे। एक बार फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।